मदीने के आका को दिल दे चुका हूँ। नवीदे मसीहा को दिल दे चुका हूँ। मुझे खौफ महशर में हरगिज न होगा, मुझे खौफ महशर में हरगिज न होगा। दो आलम के दाता को दिल दे चुका जो है हजरत आमिना का दुलारा, जो है हजरत आमिना का दुलारा, जो है हजरत आमिना का दुलारा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसकी नजर जर्रे जर्रे बेखाकी, है जिसकी नजर जर्रे जर्रे बेखाकी, है जिसकी नजर जर्रे जर्रे बेखाकी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को दिल दे चुका हूँ। मदीने के आका को दिल दे चुका हूँ। अभी दे मसीह Ziauddin University FM 98.2।
24/7 ZUFM 98.2 आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2 सुबह की ताजा खबर औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZUFM 98.2 पयामे जुस्तजू चाल हैं ठीक ठाक हैं खैरियत से हैं दिस इज मॉर्निंग वाइब्स विद मी आपका हमारा साथ रहेगा से लेकर पूरे पूरे 11 बजे तक करेंगे ढेर सारी बातें साथ साथों का आपके सितारों का अहवाल लेकिन उससे पहले सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है चाहे आप स्कूल जाएं कॉलेज जाएं यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस से सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर से सिस्टम है आपको यहाँ पर भी अपने अटेंडेंस मार्क करवानी होती है बताना होता है कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं पहली बार सुन रहे हैं हमेशा सुनते हैं या तो हैं आप घुन्ने लिसनर सो घुनो बहुत वो घुनबन बता दीजिए सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोज आना अरे हम कुछ नहीं कहेंगे सची में हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ वेलकम तो बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान से तरीकेकार है पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में क्या करेंगे आप सर्च करेंगे आप ZUFM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक एंड फॉलो कीजिएगा मजीद आगे जाएंगे नजर आएगा इंस्टाग्राम सर्च कीजिएगा @RJFarhanaOfficial तो वहां पर भी मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा उस अकाउंट को जाकर अपने जल्दी से फॉलो कर लेना ताकि आपकी जिंदगी बाहर निखार सवार सब कुछ आ जाए मजीद आगे जाएंगे नजर आएगा यूट्यूब सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली कराची की खली अगर तो आप
शहर से बाहर है, सूबे से बाहर है, मुल्क से बाहर है, क्या फर्क पड़ता है? साहब ने ना आप से बाहर नहीं, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए आप में आना पड़ता है। आप में आइए, हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे आपको। ठीक हो क्या जी? तो बातें बहुत सारी हैं आज भी हमेशा की तरह। सो अगर तो आप शहर से बाहर हैं, सुबह से बाहर हैं, बहुत ही इजीली हमारा शो सुन सकते हैं फेसबुक और माई ट्यूनर रेडियो ऐप। और अगर आप चले जाएंगे ज्यादा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तो वहां भी आपको हमारा रेडियो का लिंक मिल जाएगा। बस आपने परेशान नहीं होना, ठीक है ना? इतनी बार बता दी हमने। तो बहुत सारी बातें करेंगे, खबरें शबरें बताएंगे, क्या चल रहा है दुनिया में, आज के दो टॉपिक्स क्या हैं वो भी आपके साथ करेंगे शेयर, राइट? और साथ ही साथ मजे मजे की बातें करेंगे, आपके स्टार्स की बातें करेंगे, कॉज को शामिल करेंगे, राइट? तो बातें हमेशा की तरह बहुत सारी हैं, लेकिन आज है फ्राइडे, तो इतनी जल्दी वीकेंड आ जाता है, पता नहीं चलता पांच दिन कैसे गुजरते, कैसे गुजर जाते हैं ये पांच दिन। फिर दो दिन आगे ना, दो दिन उससे भी ज्यादा जल्दी गुजर जाते हैं। पता नहीं चला कि छुट्टी है। ओके चले जी, गाना हमने लाइनअप कर लिया है और हम आपको सुनवाएंगे आज ये वाला सॉन्ग। अच्छा जी, तो हम इसको यहाँ से प्ले करते हैं। हमने आज पहले ही लाइनअप कर लिया ना, यू नो हर बार हम कहते हैं कि ये वाला गाना, वो वाला गाना, वाला गाना, वाला गाना, सो चले जी आज ये वाला गाना। और इसके अलावा आप लोग अच्छे अच्छे गाने बता सकते हैं जो कि हम बैकग्राउंड पे चलाएं, स्लो नहीं होने चाहिए, सैड नहीं होने चाहिए, अब भी गाने बताएंगे, राइट? तुम जो आए, बी हैप्पी गाइस, यू नो ब्रो, ये ची ब्रो। चांदी रात बन गई, ओ, ओ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। ओके चले जी, एंजॉय करें इस ट्रैक को, वापस आएंगे इसके बाद फिर करते हैं आपसे बातें, ठीक हो क्या? स्टे ट्यून। वो क्या कहते हैं? हाँ भाई हाँ, कहीं नहीं जा रहा, हर रोज नहीं बताएंगे, मतलब एक दिन नहीं बताया अगर तो आपने ये नहीं सोचना कि आपने चले जाना है, आप तो कहीं नहीं जाना, राइट? कहते हैं कि हम चाहते नहीं क्या हमारे शो से चंद सेकंड्स के लिए भी जाएं और पछताएं, बस इतने सी बात। स्टे ट्यून। चांदी रात बन गई, हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। Mama, mama, mama.
चांदी रात बन गई। चन्न चढ़दाया ते मेरा दिल खड़े जे पानी वरगाया। चुरा लईए तू लाली शाम तो कुड़िए नशीले नैन बड़े ने जाम तो कुड़िए। बचा ले जान कबरू जान मरदाया सहर वांगू नी हड्डी इश्क बढ़दाया। तेरा मुखड़ा जिवेनी चन्न चढ़दाया तेरा मुखड़ा जिवेनी चन्न चढ़दाया। के चन कट दिए निग जिया वे तेरे को तेरी तासीर यक दिए। बोली चाशनी वर्गी नी मेरा चैन ठग दिए। कि दिन की रात नी गबरू याद कर दाया तेरा मुखड़ा जिवे नी चन चढ़ दाया तेरा मुखड़ा। Alright, welcome back. Bilkul ji, वापस आ चुके हैं। 36 minutes past 9 on the dial right now. So, चलें जी, आज के दो टॉपिक्स आपको बताते हैं। So, जो पहला टॉपिक है, देखिए बहुत सारे डायलॉग्स जो है ना, you know, हमें याद होते हैं, हमारे फेवरेट होते हैं, किसी ना किसी मूवी के, किसी ड्रामे के, किसी के भी, हमारे फेवरेट एक्टर के, एक्ट्रेसेस के, whatever it is. चलें जी, आज ना आप लोग अपने अपने फेवरेट डायलॉग्स हमारे साथ शेयर करेंगे, राइट? सबसे पहले तो ये फनी होगा ना तो बहुत मजा आएगा। तू कुड़िए तेरे पागल साथ साथ खावादी नशा तेरा हिलतियाना कराकी गल शराबादी कुड़े तू खूबसूरत। कमेंट्स आप लोग आना शुरू हो गए हैं, क्या बात है, माशाल्लाह वल्लाह हबीबी। तू मेरी रूह तेरे तो काला पड़ गया तेरा मुखड़ा जिवें नी चन्न चढ़ गया तेरा मुखड़ा। ओके जी, सो हाँ जी, पहले तो आप लोग ये बताएं कि कौन से डायलॉग्स हैं जो आपके फेवरेट हैं, किसी भी मूवी के, यू नो, किसी ड्रामे के, जो आपके बड़े फेवरेट हैं, राइट? साथ साथ आप लोग ये बताएंगे, और इसके अलावा सो नए साल के आते ही आपका सबसे पहला ख्वाब क्या है नए साल के हवाले से? चलो जी, लेट्स टॉक अबाउट इट। हम ना सारे टॉपिक्स रख के पुराने कर देंगे पहले ही। क्या था, फिर बाद में लोग आएंगे और 31 दिसंबर को नए साल के लिए टॉपिक्स रखने हैं, हम पहले ही रख के पुराने कर देंगे। करते रहो कॉपी फिर। क्या था, जाम तो कुड़ी है। सही है ना, हम सारे नए साल के ना सारे टॉपिक्स अभी रख रख के पुराने कर देते। हाँ, सो बताए भाई, नए साल में आपका नया ख्वाब क्या होगा? जिवेनी चन्न चढ़दाया तेरा मुखड़ा जिवेनी चन्न चढ़दाया। तो चलें जी, बता दें खबरें क्या चल रहा है दुनिया में। और अच्छा जी, हाँ जी, कहाँ थे हम? हाँ जी, यहाँ थे, खबरें खबरें देखते हैं। कह रहे भाई, मुल्क के सरकारी जरे मुबादला जखायर 8 साल की कम तरीन सतह पर आ चुके हैं। सोनी लगदी है तू नूरे सूरजा वर्गा
हस के जान कट दी है निग जे आवे तेरे को तेरी तासीर यक दी है बोली चश ओके अच्छा साथ साथ जी हाँ हम बता रहे थे भाई मुल्क के सरकारी सारे मुबादला जखार जो है वो 8 साल की कम तरीन सतह पर आ गए और प्राइवेट व्हाट अबाउट प्राइवेट ओके अच्छा जी और क्या चल रहा है भाई आजकल तो हारिस रऊफ चल रहे हैं भाई खबरों में मतलब इतना हाइप देने वाली बात है आखिर है क्या हर इंसान शादी करता है हर इंसान जो है वो यू नो उसकी मंगनी हो सकती है इट्स ओके इट्स रियली ओके साथ साथ और क्या चल रहा है रेशमी जुल्फां तो खुशबू सो गुलाबां दी कहते भाई मोहम्मद हारिस जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में तेज तरीन जो है वो 50s बनाने के जो ना फेरिस्त में शामिल हो गए यानी कि उन्होंने सबसे ज्यादा कम बॉल्स पर अपनी 50 मुकम्मल की है 50s मुकम्मल की है बाय द वे सोने की कीमत में दोबारा इजाफा हो गया कहते हैं कि दूध की मुल्की पैदावार में 68 अरब लीटर सिर्फ 5% प्रोसेस किया जा रहा है यानी कि सिर्फ 5% को प्रोसेस किया जा रहा है बाकी सारा ऐसे ही इस्तेमाल किया जा रहा है और वैसे एक बात है अगर आप कभी खुला दूध इस्तेमाल करें तो वो कुछ अजीब नहीं होता है खैर जी कहते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश होने पर शदीद तशवीश जारी है और डॉलर की इंटरबैंक कीमत में 13 पैसे का मजीद इजाफा हो गया है 13 पैसे इजाफा हो तो मसला नहीं है लेकिन वो फिर भी वही कहते हैं कि कतरा कतरा करके दरिया बन जाता है और यहाँ पे समंदर बन जाएगा मुझे लगता है अभी तो 13 पैसे दिखा रहे हैं फिर 13 रुपए ना बढ़ा दें तो लाली शाम तो कुड़िए नशीले नैन साथ साथ जाम तो कुड़िए बचा ले और क्या चल रहा है ताजा तरीन खबरें कौन सी जरा ये भी हम देखते हैं आज तो कहते हैं कि ऑडियो जो रिलीज कर रहे हैं ना कह रहे जा लिए चीनी की कीमत भी भाई दोबारा से ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है मतलब आटा चीनी दालें सब उड़ जाएंगे तो फिर रह क्या जाएगा नहीं मतलब रह क्या जाएगा भाई महकमा तालीम ने खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सर्दियों की छुट्टियां खत्म करने का फैसला कर लिया है क्यों भाई क्यों इतना जुल्म क्यों और साथ साथ कहते हैं कि ख्वातीन जुल्मो सितम पर निकाह तहलील करने का अब दावा कर सकती हैं नया कानून आ गया यानी कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है यू नो अब्यूज किया जा रहा है किसी खातून को के हस्बैंड की जाने से तो वो दरख्वास्त दे सकती हैं कि निकाह को तहलील कर दिया जाए मतलब हाँ मर्दों की तो यही बात है अपना को मर्द समझते हैं औरत पर हाथ उठाकर औरत को जलील करके है ना मतलब वो कोई भी मतलब सिर्फ अपने घर की बात नहीं को होती वहाँ पर वो जहाँ जाते हैं कुछ मर्द मैं कुछ की बात कर रही हूँ मैं सबकी बात नहीं कर रही सब एक जैसे नहीं होते ऑफ कोर्स सब बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत इज्जत करते हैं खवातीन की बहुत इज्जत देते हैं एहतराम करते हैं उनका सबकी बात नहीं कर रही जो बाहर जाते हैं तो वो घर के बाहर भी हर औरत को समझते हैं कि वो मेरे पांव की जूती है और दिस इज सो रिडिक्युलस खैर चलें जी हमने बहुत सारे कल लेक्चर दिए अगर आज मैं लेक्चर दिया कल तो मैं लिटरली मोटिवेशनल स्पीकर बन गई थी चलें जी इतना काफी है खबरें इतनी काफी है तू मेरी ओके चलिए बात करेंगे आपके स्टार्स की बात करेंगे सबसे पहले एक्वेरियस की एक्वेरियस के लोगों के लिए आज के दिन कैसे रहेगा सो एक्वेरियस वाले आर यू देयर आज आप अपने ज़ाती आराम और सुकून के लिए किसी किस्म की मंसूबा बंदी में मसरूफ हो सकते हैं जबकि उसमें से यू नो कोई तफरीही अंसर की मौजूदगी का इनकार नहीं किया जा सकता घर के बाहर कोई भी तफरीही का टाइम आप निकाल सकते हैं आपका कोई करीबी फर्द आपके मंसूबों में दखल अंदाजी करके अपनी ही सुनाने की अपनी ही मनवाने की कोशिश करेगा और आपका मूड खराब कर सकता है और साथ ही साथ ओके ठीक है जी अब आवाज मेरी ठीक आ रही है मुझे हाँ जी तो आपको जो है वो ये बात याद रखनी कि बहुत सारी बातें आपके लिए कारामत साबित तो हो सकेंगी और उसके समरात भी जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे शाम में आप अपने दोस्तों के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं कि जिससे आपका मूड ठीक हो जाएगा लेकिन आप अपने आप को थकावट से बचाने के लिए इस मुलाकात को जल्द ही खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं जो कि आपके लिए जरूरी होगा मतलब ये कैसी बातें करते हैं
बात करते हैं हम पाइसेस की. पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? सो पाइसेस वालों, आर यू देयर? सो आज अपने दोस्तों और पुराने साथियों से मेल मुलाकात का अच्छा वक्त है, जिससे फायदा उठाकर आप अपने मुस्तकबिल के बारे में मंसूबा बंदी भी कर सकते हैं. आज सुबह में ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, और अगर आपको कहीं से रकम की वसूलियाबी हो जाए तो समझ ले कि यही सबसे अच्छी खबर थी. वाह वाह वाह. कह रहे इस रकम के हवाले से ना आप कई किस्म के प्रोग्राम बना सकते हैं. अपनी गुफ्तगू के जरिए दूसरों को अपना हम नवा बनाने की सलाहियत भी आपके लिए बहुत ज्यादा मुअव्विन साबित हो सकेगी. और इसका बर महल इस्तेमाल करके आप कई एक फवायद भी हासिल कर सकते हैं. आपको अपने खानदान में मौजूद अपने से कम उम्र अफराद की खास निगरानी करनी होगी. बात करेंगे एरीज के. एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? बात करते हैं. हाँ जी एरीज वालों, आज आपके आप हैं एरीज वालों. एरीज वालों गायब हैं आप, कल गायब थे आप, गायब थी. तो आज आपके पूरा एतमाद लहजे और कारकर्दगी की वजह से आपके साथ काम करने वाले अफराद या आपके कारोबारी शराकत दार आपके साथ कुछ नए अमूर पर तबादला ख्याल भी कर सकते हैं, और अमली तौर पर कुछ नए मामलात का आगाज करना चाहेंगे. आपकी इस्तेदाद और काम करने की सलाहियत बेहतर होने की वजह से आप उनसे भरपूर तआवुन कर सकेंगे, जिसका नतीजा भी जल्द ही आपके सामने आ जाएगा. बाहमी तौर पर किसी अहम काम को मुकम्मल भी कर सकेंगे. आज अपने प्यारों से, प्यार भरे रिश्तों से लातालुक भी आप हो सकते हैं. किसी करीबी दोस्त की वजह से आपका मूड ठीक हो जाएगा. अमर में वो मैं हूँ वो. बात करते हैं टॉरस की. टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? सब पिछले कुछ अरसे से अपने हालात वाकयात से बेखबर या लातालुक रहने के बावजूद आज आपके प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात मजीद परवान चढ़ सकते हैं, जबकि इम्कान गालिब है कि आप किसी को देखते ही जो है ना आप सोचेंगे कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है. बहुत अजीब बात करते हैं, लेकिन इन सब हादसों के बावजूद आपको अपनी ईमानदारी और सच्चाई को कायम रखते हुए किसी झूठ की बुनियाद पर हालात का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. तो शाम में अपने यारों और दोस्तों की जानिब आपका चक्कर लग सकता है, और इस मौके पर आपको अपनी साख बचाने के लिए ज्यादा बोलने से एतराज करके दूसरों की सुनना होगी और वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं. बात करते हैं जेमिनाई की. जेमिनाई के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? So, आज आपकी राह में सबसे ज्यादा मुश्किलात माली शोबे में पेश आ सकती हैं, कि जिसकी वजह से आपका मूड सख्त खराब हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद आप अपनी फनकाराना सलाहियतों के इजहार में बहुत ज्यादा मुतारिक और बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल होंगे. इस बेहतर मौके से फायदा उठाने के लिए आपको अपनी तालीम में इजाफा करके और अपने मुस्तकबिल के मनसूबे मुरतब करने की कोशिश करनी चाहिए. इसके अलावा अपने कारोबारी रवाबित को भी मजीद मजबूत बनाने की कोशिश आप कर सकते हैं, और आज आपको अपने मसाइल के हल में अपने बजदान पर भरोसा करना चाहिए, और इससे आपको अपने समाजी रवाबित को बेहतर बनाने के अलावा कुछ नए दोस्त बनाने का मौका भी मिल सकता है. बात करेंगे अब हम कैंसरियंस की. कैंसरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज जो ना मैं चुन चुन के बता दूंगी. लोग आके कहते हैं कि आप इसका नहीं बताती, उसका नहीं बताती. ओके So, चलें जी बात करते हैं कैंसरियंस की. आज आपके दिन का आगाज बहुत सी मुश्किलात का सामना करने और उन पर काबू पाने की मंसूबा बंदी करने से होगा, कि जिसकी वजह से अपने जोश और जज्बे पर काबू रखना जरूरी होगा, वरना बात बिगड़ने से सारा मामला ही बदल के रह जाएगा. और साथ ही साथ आज अपने ख्याल में बहुत ज्यादा बेहतर होंगे, कि जिसकी बिना पर आपको कई एक नए आइडियाज भी सूझेंगे, लेकिन ऐसे मौके पर आप दूसरों की जानिब से तआवुन की पेशकश को कबूल करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा. शाम में अपने दोस्तों की जानिब से किसी तोहफे की वसूली हो सकती है, या फिर अपने किसी रिश्तेदार की जानिब से आपको नकद रकम का हुसूल मुमकिन हो सकता है, कि जिसकी वजह से आपकी मिजाजी कैफियत की बेहतर मिजाजी कैफियत बेहतर ना होंगी, बल्कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे. बात करते हैं लियू की. लियू के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? तो आज आपके माली हालात कुछ अच्छे नहीं होंगे, कि जिसकी वजह से आप ज्यादा खुश नहीं होंगे, मुतमईन नहीं होंगे. शाम में आपको किसी पार्टी या तकरीब में शमूलियत का मौका मिल सकता है. आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप अपने दोस्तों से ऐसे मजाक ना करें कि जिनकी वजह से उनका दिल दुख जाए या फिर उनके जज्बात मजरूह हो जाए. अपने आपको मुतवाजन रखें और अपने पुराने एहसास को अपने ऊपर हावी ना होने दें, वरना मूड सख्त खराब हो सकता है. बात करते हैं लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? So, आज आपकी शख्सियत और वजाहत दूसरों को बेहद मुतासर कर सकती है, कि जिनके पास है. जिनका नाम वजाहत है सिर्फ उनकी बात है. तो जिससे बाज अफराद आपकी जाने मुतवज्जा हो सकते हैं, और कई एक तो आपके मुस्तकिल ताल्लुकात इस्तवार करना चाहेंगे आपके साथ, जबकि बहुत से अफराद की जाने से आपकी काविशों को सराहा जा सकता है. ऐसे में अगर कोई आपको कुछ प्यार भरे कलिमात कह दे तो उसका बुरा मत माने. अपनी कारोबारी या पेशा वाराना सरगर्मियों में कामयाबी हासिल कर सकेंगे. किसी किस्म की सरमायाकारी में कामयाबी मिल सकेगी, जबकि अपने घर के बारे में बेहतर मनसूबाबंदी करने का मौका भी मिल सकता है. आपको अपने बड़ों से भी किसी मौजू पर गुफ्तगू कर लेनी चाहिए, और अगर वो बहस तकरार तक पहुंच जाए तो फिर आपको गुरेज करना चाहिए. ठीक हो गया? चलें जी बात हो गया आपके स्टार्स की.
तेरा मुखड़ा जिवे नहीं चन। ओके चलें जी कमेंट्स को शामिल करते हैं। लेट्स सी कि कौन कौन कहां कहां से मौजूद है हमारे साथ, किस किसने अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दी, कौन है जो ढीठ है जिसने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई। आगा अली कमर शिगरी हमें सुनते हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपको कमेंट स्क्रॉल हो गया, आई एम रियली सॉरी, मैं पूरा पढ़ नहीं पाई हूं। और साथ साथ मोहम्मद रजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एडी व्लॉग्स कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, इतना शॉर्ट सलाम क्यों लिखते हो, तुम लोग तो इसी वजह से पास नहीं होते हो, तुम शॉर्ट राइटिंग लिखते हो ना, हम लोगों को इतनी अल्लाह माफ करे इतनी आदत होती है इतनी कंजूसी लिखने में। अगर लिखना है कि है तो लिख देंगे H, लिखना है एंड तो लिख देंगे N, लिखना होगा V तो लिख देंगे W, what is like that? कहते हैं सॉन्ग चेंज करें, क्यों भाई, डोंट ऑर्डर मी जस्ट रिक्वेस्ट मी। ओके इकड़ा बलोच कहती है कि अभी जान जग घुमाया राहत का सॉन्ग सुनवा दो, जग घुमाया तारे जैसा ना कोई। ओके ठीक है, जुल्फकार आसिफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आपको और सबको चलें बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम इकड़ा, बहुत शुक्रिया। लड़की हर रोज एक नए गाने के आगे फरमाइश करती हो, क्यों भाई, कोई टॉपिक पर बात कर लो, जब तक टॉपिक पर बात नहीं करोगी तुम आज ना, तुम्हारा कोई गाना मैं अब ना अगली दफा तक जब तक तुम टॉपिक पर बात नहीं करोगी ना, नेक्स्ट वीक है तुम्हारे पास टॉपिक पर, अगर तुमने बात नहीं की ना हम तुम्हारी फरमाइश का कोई गाना नहीं लगाएंगे, सीधी सी बात है, ऐसे थोड़ी ना होता है। महफूज खान कहते हैं गुड मॉर्निंग अभिजान, गुड मॉर्निंग, और साथ साथ उस्मान शाहिद वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। और आबिदे मेरे कहते हैं अगर आप सुनते हैं चोरी छुपके तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, वेलकम करेंगे, ये तो वैसा हो गया बेटा आपने छुपाया हो तो बता दे, हम कुछ नहीं कहेंगे, और बताने के बाद जो होता है वो देख लें आप खुद। मैंने कभी किसी को कुछ कहा, इतने सारे लोग जो है वो साइलेंट लिसनर होते हैं, बाद में आके बताते हैं एक साल बाद दो साल बाद कि हम दो साल से आपका शो सुन रहे हैं, खामोशी से सुन रहे हैं, कभी कमेंट नहीं किया, कभी कॉल नहीं की, तो मैंने क्या किया, मैंने उनको फाइन लगाया, मैं उनको जेल में डलवा दिया, मैंने नहीं, मैंने क्या किया। साथ साथ मजर आबाद भैया वालेकुम अस्सलाम, लैया पंजाब से सुनते हैं बहुत शुक्रिया। नियाज लाशारी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। अमर कह रही है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बड़ी, वालेकुम अस्सलाम कहती है आपने लीव लगा ली थी ना कल, एप्लीकेशन दिए बगैर छुट्टी कर ली थी, नहीं आपकी लीव नहीं लगाई हमने, एब्सेंट लगाई है। आपने छुट्टी क्यों की अंबर, एंड हाउ आर यू। मश कहती है अस्सलाम वालेकुम अभी जान, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मश, आप बताइए आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। कहती है अभी कल मैं सॉन्ग का बोल रही थी, अब बन जाओ मेरे सनम, ये सॉन्ग ना प्ले करें, कौन सा राइडर रीमिक्स, भाई मैंने एक साल तक उसको अपना जो है ना शो का बीजेम बना के रखा है राइडेड को, और तुम लोग अभी भी वही गाना मुझसे कहते हो प्ले करने के लिए, चलो मैं प्ले करती हूँ इसको क्योंकि ये गाना है ही ऐसा है तो स्लो थोड़ा बट है अच्छा ये गाना, एक साल डेढ़ साल में 2021 में पूरा साल मैंने निकाला ना इस गाने में। चलो खैर है कोई नहीं, हम इसको दोबारा प्ले कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए रखेंगे इसको बैकग्राउंड पे, उसके बाद वापस हम आ जाएंगे अपने दूसरे बैकग्राउंड पे। राइट एंड यस ओके उरुसा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अभी कैसी हैं आप, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ उरुसा, आप बताइए आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। आवेदन कहते हैं जी बच्चों कानून में ना निकाह शायद खत्म हो भी जाए बट इस्लामिक खत्म नहीं होगा, सारा पावर मर्द के पास है, असल में फायदा है इसका जब ही मर्द को किया है ये पावर, देखें पावर तो देखें पावर क्या, अगर पावर का गलत इस्तेमाल किया जाए ना तो फिर वो फजूल है। क्या किया? अगर अल्लाह ताला ने एक दर्जा मर्द को ज्यादा दिया है तो इसलिए नहीं दिया कि वो उसको मारे पीटे उसके सारे हुकूक जो है वो जब्त कर ले या उसको जो है वो यू नो बस जुल्म ढाए, अल्लाह ताला ने तो प्रोटेक्ट करने के लिए मर्द को एक दर्जा बुलंद दिया है, वजह ये है हमारे यहाँ ना मर्द कुछ और ही समझते हैं, मैं जो टिपिकल मर्द होते हैं ना टिपिकल, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो कुछ मर्द हैं और यहाँ पर ना एजुकेशन भी बड़ी मैटर करती है, बस की बात बस थोड़े कहे को बहुत जानी है। I love it when you look at me that way. Now we're in your order and mojito at the bar. गुड मॉर्निंग अरेंडेंस प्लीज अभी जान, हाउ अबाउट यू, आई एम वेरी वेल थैंक यू, हाउ आर यू आमना। और साथ साथ रूसा कहती है अभी कल आपके शो की वजह से ना मैंने ना अपने दो न्यू ड्रेस प्रेस करते हुए जला दिए, ना करो लड़की ऐसा क्यों किया। अंबर कहते हैं जी जनाब आप ही हैं माय एंटरटेनर, ओके अंबर थैंक यू। रजा गुल गुड मॉर्निंग,
आप तो मैं कहते हैं कि बाजी मर्द का हाथ उठाना जुर्म तो बता दिया आपने, अगर खवातीन पिटाई लगाएं तो भाई वो कोई 100 में से कोई एक ही होगी, वो भी उसके बाद अगर ब्लैक बेल्ट होगी तो, वरना ऐसा नहीं होता। अपने दर्द आप दूसरे अल्फाज में क्यों बता रहे हैं? सात नंबर कहती मैंने देखे हैं कई साल ने आते हुए, मैंने फेंके हैं कई ख्वाब पुराने करके, ओ माई गॉड अंबर रियली सेंडिंग ब्लैक हार्ट्स। बहुत शुक्रिया लड़की, थैंक यू। कहती हैं कि अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे और आपको कभी किसी का मोहताज ना करे, आमीन सुम आमीन। साथ साथ मसूद साहब आगे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे सईदा फरहाना अली मिस्री की डली। वालेकुम अस्सलाम। कहते मैम आप एक शहजादी हो, आप बातों में आरजे की दादी हो और उस घर को महका देखा जिस घर आपकी शादी हो। कहते हैं क्योंकि आप तो ना हंसने महकने चहकने की आदि हो। कहते हैं फ्रॉम मदीना के अबू गोलू मोलू, मदीना के अबू गोलू मोलू इंडिया से। ओके जबरदस्त हो गया, क्या बात है भाई। मदीना के अबू ने नहीं भाई, ये भाई मसूद साहब की गलत बात हो गई, मदीना के अबू के हम गाने प्लान करते हैं यहाँ पे। हमने उनको जो है ना आग कर दिया पाकिस्तान से। रहिए ना। ओके साथ साथ मुनव्वर हुसैन यानी कि अधिका कहती है अस्सलाम वालेकुम अभिजान, हाउ आर यू डियर सईद फरहान अली कराची की कली नॉट गली। ओके शुक्र है किसी ने तो सही लिखा। वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी वेल थैंक यू अधिका, आप बताइए आप कैसी हैं, आप ठीक हैं खैरियत से? और साथ साथ मोहम्मद ईरान जाखरानी कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है आज मैं कॉल ले नहीं पाऊंगी, फोन चार्ज नहीं है और चार्ज हो भी नहीं रहा। So, I don't know whether क्या इसका मसला है, extremely low battery. अगर मैं कॉल्स नहीं लूंगी तो कोई बात नहीं, हम शामिल करेंगे कमेंट्स। नहीं नहीं आपको क्या लगा पीरी से? No way. Vida was the club on Saturday. You're acting like a diva saying you don't wanna pay. It's gotta be your feisty style. Raise that crowd. I love it when you look at me that way. Now we're in your order, a mojito at the bar. Reapply it because it came off on the glass. The DJ plays your favorite song, Kanye song. Now you're beckoning for me to dance. Ye kya kiya main betab ho gaya. Tere bina mujhe nahi jeena. ओके और चले जी, आई वॉज ट्राइंग के फोन चार्ज हो जाए बट लग नहीं रहा ऐसा। अच्छा जी साथ साथ मोहम्मद ईरान जाखरानी बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। और आपने कहती है अभी राइटर सॉन्ग ना प्ले कर, राइटर प्ले करूं, अरे राइटर कैसे प्ले करें, राइटर है ये। राइट एट अगर वैसे कह रही हूँ अभी आज जा रही हूँ, कुछ दिन शो नहीं सुन पाऊंगी, बहुत मिस करूंगी आपको। चलो रुसा आई मिस यू टू। और साथ साथ आमना कहती है अभी आज ने मेरा सॉन्ग प्ले करो जी, राइटर सॉन्ग है, राइटर कौन सा सॉन्ग है लड़की। अंबर कहती है हैरत है, पेड़ नीम के देने हैं, नीम के देने लगे हैं, आम पगला गए हैं, हम पगला गए हैं आपके छूने से दरख्त। ओ माय गॉड सो फिल्मी, और इतना फिल्मी कि हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं है। और उस अगर नए साल में नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी क्योंकि अभी जा रही हूँ मैं, हॉस्टल एडमिशन हो गया है। चलो भाई अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बेस्ट विशेस हमारी तरफ से आपके लिए उरुसा, अल्लाह ताला आपको हमेशा जो है अपनी रहमत के साए में रखे। ओके साथ साथ डैडी व्लॉग्स कहते हैं अभी आपने ना वर्गो कह दिया, वर्गो तो मैंने कहा ही नहीं है, मैंने कहा एडी व्लॉग्स, मैंने तो वर्गो कहा ही नहीं है यार, ऐसे खा लिया। हाँ हाँ तो भाई मेरी मर्जी है भाई। और साथ साथ आवेदन भी कहते हैं कि टॉपिक न्यू साल की तैयारी पर अर्ज है कि मैंने इस साल बहुत काम कम दावतें खाई हैं बट आने वाले साल बहुत से रिश्तेदार लाइनअप कर लिए हैं, उसमें मेमन अंकल भी हैं और कुछ आरजे भी हैं, दोस्त भी हैं और हाँ हैं, और दुआ करें कि कामयाब हो जाए न्यू साल में, आमीन। मतलब अल्लाह माफ करे, मतलब बिला वजह ना आरजे के गले पड़ना भी वाली बात है, तो नहीं हम आरजे आपके घर आएंगे, हम आपके घर क्यों भाई
ये कोई बात है साहब कह रही है ना पूछो कैसे हैं कह रही है सदिया अभिनाश हो गया कह रही है बस ना आवाज है सारे सुर खराब हो गए मेरे तो कितने सुर थे अंबर तुम्हारे कह रही है बोल मैं रही हूँ और सब आके देख रहे हैं कि इस्लाम ऑफिस नहीं गए क्या कोई फर्क नहीं रहा भाई यही प्यार ओके कहती है कि कोई फर्क नहीं रहा फ्लू का फीवर थ्रोट पेन कोई मंजन बना दे प्लीज हमारे ये क्या हम आपको मंजन बना बना के दे हैं देखो अंबर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है ओके साथ साथ अच्छा जी मुनव्वर हुसैन ने अतीका कहती है कि गुड मॉर्निंग आबिजान गुड मॉर्निंग अंबर तो भाई आप कहवे वगैरह का इस्तेमाल करें हमारा तो फ्लू इसलिए नहीं जाता कि हम रात में जो है वो इतनी ठंडी हवा में सुबह रात के टाइम वॉक करने चले जाते हैं 10 से 11 तो हमारा तो सीन कुछ अलग है अगर इसीलिए ये है हमारा तो मसला ये है कि हम वॉक अपनी छोड़ नहीं सकते राइट तो आप भाई एहतियात करें बच्चों का ख्याल करें बच्चों का ख्याल कौन करेगा आप बीमार हो जाएंगी तो अपना भी ख्याल करें बच्चों का भी ख्याल करें इस्लाम भाई को बोले कुछ चॉकलेट्स वगैरह ला के दें आपको महबूस खान कहते हैं कि आप ही बोरिंग सॉन्ग सुना कर ना मजा नहीं आया कौन द बोरिंग तुम जो हर रोज एक गाना बताते हो वो द बोरिंग नहीं होते तुम और उसे कहती है कि वो भी आबी बलोची ड्रेस क्योंकि मैं ना शो में ही गुम थी और अभी अम्मी से पूछो भाई सुबह वो मैंने सुना बड़े महंगे होते हैं बलोची ड्रेस ऐसा ही है और कहती है कि सो स्वीट ऑफ योर वॉइस आई लव योर वॉइस आबी जान चले बहुत शुक्रिया दीका जज़ाकअल्लाह अरे अमर मदीना के अबू अदनान समी नहीं पता यार उसे कह रही है आप ही लोग भूल गए हैं कि आपका रिक्वेस्ट शो नहीं होता याद दिलाते हैं इनको फिर से मैं देखो जब तक इनकी हैप्पी बर्थडे नहीं होती ना इनको पता नहीं चलता याद नहीं रहता मुझे तो आप कहते हैं कि मैम बॉलीवुड एक मूवी है शोले जिसकी हर बात मुकम्मल मुकालमे की शक्ल में मशहूर है एक है कि 50-50 कोस दूर गांव में ना जब बच्चा रोता है ना तो माँ कहती है कि सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा ओके और कहती है मुझे क्या भी टॉपिक क्या है टॉपिक ये भी आपने बताना कोई अपना फेवरेट डायलॉग किसी मूवी का किसी ड्रामे का कोई भी लेकिन अच्छा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि हम ऑनर बता सकें क्योंकि बराबर वाली फिल्मों में तो ये लिहाज नहीं होता ना हमारे यहाँ लिहाज होता है सही है साथ साथ बताएंगे भाई नए साल में आपका नया ख्वाब क्या है ठीक है आपने वो शेयर करना है और साथ साथ अरबाज आ गए हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्र थैंक यू सो मच कहते हैं आप भी ठीक हैं आप हाँ जी मैं ठीक हूँ आप ठीक हैं अभी मैं सोच रही हूँ जब ना मौलवी साहब मुझसे पूछेंगे कबूल है तो मैं बोलूंगी आई एक्सेप्ट अच्छा ये सबको पता चले कि लड़की ना पढ़ी लिखी है गहरी ताकि पता चले सबको वो उसके लिए ये कहना जरूरी नहीं है आप तो कहते हैं लड़की कुछ तो एहसास करें यहाँ तो ना भाभियाँ खतरनाक होती हैं यहाँ अजीब है आप ना भाई की केक ऐसे काटती हैं अरे भाई के भाई को आड़े हाथ लिया करे भाभी को आड़े हाथ लिया करे ना मैंने किसी को आड़े हाथों नहीं लिया सीधी सी बात चले जबरदस्त हो गया बहुत शुक्रिया 10 बज चुके भाई गाना लगाएंगे और मैं कह रही हूँ आज नहीं तो आप भी कॉल कमेंट पे बात करेंगे मजा आएगा हाँ जी आज कमेंट्स करें आप भर भर के कमेंट्स करें आज सिर्फ कमेंट्स पढ़ूंगी मैं यूसुफ मजबूर कहते हैं मजबूर आप क्यों मजबूर क्यों है समझ नहीं आता मुझे कहते हैं कि बस्ती तहसील वोहावा यही नाम है वाह 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 कौन इतने सारे शहर के इतने मुश्किल मुश्किल नाम है मुझसे तो लिए भी नहीं जाते कहते हैं जबरदस्त शो चले बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच और इसके अलावा अच्छा जी मसूद साहब कहते हैं कि मैम वो वाला तो सुनवा ही दें मदीना के अबू के वॉइस में तेरी ऊंची शान है मौला आज जुम्मा भी है वो वाला तो हम बिल्कुल प्ले नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ना इंडिया कबूल कर लिया था जब वो गाना गाया वो कन्वर्ट हो गया ना अब कामरान को अस्तग़फ़िरुल्लाह माफ करे कामरान कबूल करे अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया मंजूर अहमद कहते हैं कि माशाल्लाह बहुत शुक्रिया नहीं उनका जो पाकिस्तानी सॉन्ग है हम वो तो सुनवा सकते हैं आपको हम वो सुनवा देंगे अगर ऐसा ही दोगे मतलब आपको क्यों पसंद है वो साथ
साथ है। महफूज खान कहते हैं कि बीवी का रूठ जाना सुन्नत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो है और बीवी को मना लेना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल जी ऐसी बेशक। आवेद कहते हैं बड़ी सवाल है आपसे, ये सत्यानाश की उर्दू क्या हो गया आसान उर्दू? सही की रेनी हो सब कुछ खराब हो गया, अब समझ आ गया। रामेज अली खान कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और साथ रामेज और रमीज है, मेरे ख्याल से रामेज ही होगा। अमर कहती हैं कि दोस्त हो तो ऐसी जो हर मर्ज का मंजन सप्लाई करे कह रही हमारे भी ना अलग बेबी, कोई दवा असर ही नहीं करती जनाब साथ साथ आवेदन कह रही है, अरे कह रहे सॉरी कह रहे हैं सॉरी अरे नहीं नहीं मेरे घर नहीं, मैं ना लोगों के घर जाऊंगा, उन्हें इज्जत और मान से नवाजूंगा। बच्चों सोच आप कि आरजे जो याद करते हैं ना, अच्छा चले जी आप ठीक है, अगर वो जिस आरजे की आप बात करें आपने नाम तो उनका लिखा नहीं है, अगर आप नाम लिखे ना मेंशन करें तो पता चले फिर बताएं वो तो कह देंगे हम तो जानते ही नहीं है कौन आबिद अमीर। बाजी हदीका को बनो बनोरी बनो प्ले करे ना, बन्नोरी बन्नो मेरी चली ससुराल को, वो वाला पाकिस्तानी नहीं है और उसे कह रही है कि जी आप ये एक्सपेंसिव होते हैं बलोची ड्रेस, ऐसे कपड़े जल जाए ना तो ऐसे लगता है कि दिल जल गया है। अच्छा मतलब उसके एक्सपेंसिव होने की वजह क्या है, मतलब क्या स्टफ ऐसा होता है इस वजह से, क्या वजह है उसके एक्सपेंसिव होने की, क्या जो उसमें थ्रेड इस्तेमाल करते हैं आप लोग, या डिजाइनिंग होती है क्योंकि वो हाथ से बड़ा मेहनत से किया जाता है, मेरे ख्याल से सब मशीनें भी इस्तेमाल की जाती है ना राइट, नहीं तो मतलब क्यों इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है पता तो चले आखिर। अच्छा जी और अधिका कहती है अभी जान आज करो, अभी क्या है अभी तो रिपीट किया था, नए साल में आपका नया ख्वाब क्या होगा, साथ साथ आप अपना कोई फेवरेट डायलॉग शेयर करेंगे हमारे साथ किसी भी मूवी का किसी ड्रामे का। आजकल ड्रामो में तो अजीब और गरीब डायलॉग्स होते हैं ना, तुम अपनी बीवी को चुने या मुझे क्या है यार ये ये कोई बात है, तुम अपनी बीवी को चुने या मुझे, हाउ सैड इमोशनली। अच्छा जी अम्बर अम्बर नहीं आमना, आमना कहती टॉपिक पर जवाब है कि क्या आने वाले साल में स्टडीज में क्या हो जाऊंगी, बिजी हो जाऊंगी और मुख्तलिफ कोर्सेस सीखूंगी, बाजी बाजी हो जाऊंगी बिजी, अच्छा बिजी हो जाऊंगी कह रही है लड़की, तुम क्या बोल बोल के टाइप गूगल माइक का इस्तेमाल करती हो क्या टाइपिंग करते हो। अरबाज कहते हैं कि बरहाना अभी आपकी आवाज बहुत ब्यूटीफुल है माशाल्लाह, चलें बहुत शुक्रिया मेरे भाई अरबाज, अल्लाह ताला ने अता की आवाज, तो मेरा तो कोई कमाल है नहीं इसमें, जो भी कमाल है वो अल्लाह ताला की जात का है, सो उसका शुक्र है। ओके महबूब खान कहते हैं क्या कह रहे थे, कहते हैं कि जी जी आप बलोची सूट बहुत महंगे होते हैं, मेरी खुद की बीवी बलोच है तो आप ही मुझे मालूम है। ओके ठीक हो गया, और साथ साथ शर्मीन बलोच कहती हैं कुछ कह रही थी कॉमेडी स्क्रॉल हो गया, कहते हैं आवाज सुन के ना दिल को करार आया। अच्छा और साथ साथ अम्बर कहती हैं ओ आई डिडंट नो कि वो मदीना के अबू हैं रजा गुल कहते हैं साल मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और नए साल में कतर जा रहा हूँ, काम के लिए दुआओं की जरूरत है, चैलेंज हम दुआ करते हैं लद्दल आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए और आपकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर दे, आमीन सुम आमीन। हमने कहती है एक सॉन्ग का डायलॉग है कि मेरे पास एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मर गए हम नहीं तो क्यों वजह आपने मेरे कहते हैं कि मेरा इस वक्त का पसंदीदा जो इस वक्त का पसंदीदा डायलॉग है जो लाइन है मूवी की वो है मेरी अम्मी कहती थी कि जिंदगी गोल गप्पे की तरह होती है, कभी ना मन दिल ही नहीं कर क्या दिल ही नहीं भरता, हाँ अच्छा दिल ही नहीं भरता कभी। डन हो गया साथ साथ। अच्छा जी मुनव्वर हुसैन कहते हैं कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई एम गुड, अभी जबरदस्त हो गया, यानी कि अतीका कहती हैं। सईद आयशा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम रहाना, क्या हाल अहवाल, वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप बताइए आयशा आप कैसी हैं, आप ठीक हैं खैरियत से, सुना है हमने ब्लैक बेल्ट का इस्तेमाल बहुत करती हैं आप देखिए अभी तो कॉल हमारी आज तो नहीं ले रहे कॉल्स, जब मंडे के कॉल्स लेंगे ना तो प्लीज आप हमें कोई किस्सा तो सुनाए आगे, कोई नींद वाला किस्सा तो सुनाए ताकि हम भी इंजॉय करें सब इंजॉय करें। हमने कह दी है मेरे पास तो बहुत सारे डायलॉग्स हैं, आप ही बढ़ बढ़ के ना थक जाएंगे आप ही जा रहे आप, हाँ अरे नहीं तुम लिखो हम नहीं थकेंगे, तुम थक जाओगे लिखते लिखते शो खत्म हो जाएगा हमारा अंबर कहती है कहती है खुदा तेरी जबान की तरह तेरी उम्र भी दराज करे
अस्तग़फ़िरुल्लाह अब्दुल वदूद आफरीदी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हमें सुनते हैं पेशावर से, जबरदस्त कहते हैं कि सो मच, और साथ साथ कहती हैं अभी शुगर ब्राउनी सॉन्ग प्ले कर रहे ना, अरे शुगर ब्राउनी मैंने कितना वो बैकग्राउंड में चलाया ना, मैं बेताब हो गया। चलें जी, ये बहुत ज्यादा नहीं चला दिया, चलें आज ना मैं शुगर एंड ब्राउनी भी चलाती हूँ क्योंकि बहुत बहुत टाइम हो गया हम सुनते हैं आज आप लोग ना मुझे पुराने पुराने मेरे बैकग्राउंड से याद दिला रहे हैं, सो ठीक है यहाँ से प्ले करते थे हम होपफुली आके ये वाला होगा, मुझे याद भी नहीं है अब मैं कहाँ से प्ले करती थी, और कॉपीराइट आ गया तो मसला हो जाएगा अंग्रेजी गाना है। Movida was the club on Saturday. You're acting like a diva saying you don't wanna pay. It's gotta be your feisty style. Raise that crowd. I love it when you look at. Okay, चलें जी यहाँ से हम जो है वो play करते हैं. Hopefully कि यहाँ से नहीं आएंगे copyrights और चलें जी हाँ जी. So ये track है. Hopefully के मुझे यहीं पे मिल जाए, ठीक हो गया, सही हो गया, एकदम जबरदस्त हो गया. सो हाँ जी यहाँ से प्ले कर देते हैं इस गाने को और फिर वापस आते हैं इसके बाद, फिर करते हैं आपसे बातें, और आपने जब तक कहीं नहीं जाना, ठीक है ना, हम बार बार आपको बताते हैं इसलिए कि भाई आपने कहीं नहीं जाना, कहीं जाएंगे तो फिर आप पछताएंगे और हम बस आपको क्या बताएं, आप पछताएंगे और सही है अरे आवाज़ क्यों नहीं आ रही है भाई, ढूंढे निगाहें चेहरा ये तेरा, मांगूं रब से बस साथ तेरा, ढूंढे निगाहें चेहरा ये तेरा, मांगूं रब से बस साथ तेरा, इस पल जो जी लूं मैं तेरा साथ छोड़ देना, मुश्किल में ये दिल है इसको संभालो ना, ओ देखो तुझे तो ये सोचता हूँ कि मैं कैसे करूँ ये बयां, ओ ख्वाब हो तुम या हकीकत मेरी, अब बता दे मुझे कोई ना, तुझसे मोहब्बत है
लम्हा भी ना रह पाएंगे इस पल को जी लूं मैं कहता दिल मुझको संभालो ना वो वरगाया चुरा लिए तू लाली शाम तो कुड़िए नशीले नैन बड़े ने जाम तो कुड़िए बचा ले निकबरू चांद मरदाया जहर वांगू निहड्डी इश्क वड़दाया तेरा मुखड़ा जिवेनी चन चढ़दाया तेरा मुखड़ा जिवेनी चन चढ़दाया वेलकम बैक बिल्कुल जी वापस आ चुके हैं 17 मिनट्स पास्ट 10 ऑन द डायल राइट नाउ तो चलें जी लेट्स टॉक अबाउट यू हाँ जी रिसर्च शेयर करेंगे थोड़ी सी देर में लगदी है तू नूरे सूरज वरगा ते हंस के जान कट दी है निक जे आवे तेरे को तेरी तासीर अकदी है बोली चाशनी वरगी नी मेरा चैन ठगदी है कि दिन की रात ओके जी और अच्छा जी हम तेरा मुखड़ा हमने कह रही है आप ये सॉन्ग प्ले करो जी मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करते हैं आतिफ असलम का ओके अरे आतिफ असलम का एक और गाना भी तो था चलो हम अभी फिलहाल तो ये प्ले कर देते हैं अच्छा गाना बताया तुमने ओके जी आतिफ का है ना बस बात सारी है रेशमी जुल्फां तो खुशबू सौ गुलाबां दी मुकम्मल हूर तू कुड़िए तेरे पागल ते खाबां दी नशा तेरा ही लथियाना करां की गल शराबां दी कुड़े तू खूबसूरत अच्छा ये वाला ना गाना कितने लोगों ने जो है वो कवर सॉन्ग ही गाया है चले जी हाँ ये वाला लिंक है जहाँ से हम हमेशा इस गाने को प्ले करते हैं तो आज भी इसको हम यहीं से प्ले कर देंगे राइट और चलें जी ओके ठीक है जी ठीक है ओ ये ओके और साथ साथ और देखते हैं कौन है हमारे साथ जैनुल आबदीन शाह वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया सखर से हमें सुनते हैं और साथ साथ आयशा कहती है हाँ 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 जी कभी कभी ना जरूरी होता है बेल्ट का इस्तेमाल हाँ जी ब्लैक बेल्ट हो वाइफ तो क्या ही बात है ना इधर कहते हैं भाई आपके यहाँ सर्दी की क्या खास सौगात है हमारे यहाँ राप बनती है राप व्हाट इज दैट कहते हैं वो गुड़ की होती है वो क्या चीज होती है हमारे यहाँ सर्दी की सौगात तो सिर्फ सूप ही होता है चिकन खॉर्न सूप और इसके अलावा क्या है पर नहारी बाय जो यू नो जो नॉर्मली खाया जाता है ये कौन है भाई मेरे डीबी लगाई हुई है अच्छा आमना है ठीक है आमना यानी बस जाते हैं कुछ लोग दिल में इस कदर के जिन्हें दिल से निकालो तो जान निकल जाती है ओ माय गॉड और अतिका कहती है अलाबाक आपको हमेशा इसी तरह हंसता बसता और मुस्कुराता रखे आप यूं ही हम सब में खुशियां बांटती रहे आमीन सुम्मा जज़ाकअल्लाह बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच और इसके अलावा उरुसा कुछ कह रही थी आमना कहती है अभी मुझ को समझा दो अभी मुझे बोल दी कि मैं तो डर गई ना इसको
अली कहते हैं कि मेरा डायलॉग है कि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। साथ साथ राहील बलोच यानी कि कहती हैं, शर्मीन कहती है बहुत बहुत जबरदस्त शुक्रिया बहना, लव यू सो मच। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया। तुम अभी ना शक के दायरे में हो। अच्छा जी, महबूब खान कहते हैं कि मन अमाद है, हम गुल बाना और आधे मतलब का सॉन्ग प्ले करते हैं प्लीज। चलो इसको प्ले करेंगे हम मंडे को। मन अमाद है हम, वाई वाई राइट, ये वाला ना। ओके राहिल बलोच कहते हैं जब मैं शुरू में आई थी ना तब बैकग्राउंड सॉन्ग ना शुगर एंड ब्राउनी था। हाँ, 2 साल पहले था वो आई गेस। हाँ 2 साल हो गए शुगर एंड ब्राउनी को, देन राइट एयर एंड उससे पहले दस पसी तो और कौन सा था, बहुत सारे मतलब मैं चेंज करती रही हूँ ना। ओके साथ साथ नाम कहती हैं कि वाओ क्या सॉन्ग है जी, और होपफुली कि मैं नए साल में कोई नया बैकग्राउंड लेके आऊँ। ये वाला तो जो मेन है फेडेड वाला ये तो रहेगा, इसके अलावा। और साथ साथ मसूद साहब कहते हैं मैम एक डायलॉग वो भी बहुत मशहूर है शाहरुख खान वाला, अम्मी जान कहती हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ओके और वो भी देख मशहूर है ना, वो क्या कहते हैं कि तुम जिसे कौन बताएगा वो डायलॉग क्या है भाई, जब तुम किसी को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है ना, वो कौन सा डायलॉग है। आई जस्ट लव दैट बिकॉज मुझे लगता है कि ऐसा होता है ऐसा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, मैंने तो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन मैं लोगों को देख कर मुझे लगता है। हमने कहती है अभी मैंने ना आपकी पिक्चर लगा ली है जी, आपको ना कोई बात तो बुरी नहीं लगी है, नहीं कोई बात नहीं लगा लो, मेरी डीपी कोई हौसला नहीं है। आवेदन कहते हैं कि नहीं प्ले कर रही ना बन्नो, बच्चों ये ना सारे आतिफ के राहत के सॉन्ग यहाँ ना बने हैं। अरे हदीका का ये कौन सा गाना है, मैंने तो नहीं सुना ना, फौरन ना रोने लग जाते हैं। अंबर यानी मेरा दिल भी कितना पागल है, कितना अंबर ये तो बताएं आप। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया, ठीक हो गया। और साथ साथ हमने कहती है अभी इसके बाद ये सॉन्ग प्ले करना जी, आतिफ भाई का जवाब जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई बस कर दो, इतनी नहीं हो रही अब। लड़की तुम तो फैल जाती हो। अजमत अमान वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्र कहते हैं माशाल्लाह नाइस शो। कामरान शाह कहते रफ्तार रफ्तार सॉन्ग लगा दो, अभी आतिफ असलम का, आतिफ असलम ही लगाएंगे, अगर रफ्तार रफ्तार लगाएंगे तो हम दूसरा लगाएंगे क्योंकि रफ्तार रफ्तार मुझे आजकल वो पसंद है। सीधी सी बात है भाई, अब आपने कह दिया रफ्तार रफ्तार और मैं सोच रही थी उसको मैं प्ले करूं, पर हम वही वाला प्ले करेंगे रफ्तार रफ्तार जो हमें चाहिए। राइट, मुझे लग रहा है सारे व्यूज ना मैंने ही बढ़ा देने इनके। ओके बिकॉज आई लाइक दिस सॉन्ग और ठीक है ना, सो चलें जी। रफ्ता रफ्ता वो मेरे मस्ती का सामान हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे मस्ती का सामान, अच्छा जी। सो हाँ जी, कमेंट्स के सामने कह रही थी आपके लिए मैं एक रिसर्च लेकर आई हूँ और वो क्या है, वो है कॉफी के हवाले से, और यू नो जो लोग कॉफी नहीं पीते हैं उनके लिए क्या पिया करें। ब्लैक कॉफी, नॉट द मिल्क कॉफी। लेकिन पिया करें लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा जो है वो अगर आप किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो हमेशा वो आपको नुकसान ही देती है। हर चीज में बैलेंस का होना जरूरी है, मतलब बैलेंस्ड, जैसे कि बैलेंस्ड डाइट। तो मैं बताऊंगी भाई आजकल यू नो ये कॉफी आपके लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह है, कितनी फायदेमंद है, कितनी नुकसानदेह है, तो ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो आई जस्ट लव ब्लैक कॉफी, यू नो इस हुस्न की राना। सो
अभी जो ये शक्ल देख के ना लिटरली मेरा दिल चाह रहा है ब्लैक कॉफी पीने का। ओके वो सही अभी नीते खैर मंगदा दुआ ना कोई और मंगदा फीमेल की आवाज में है रिमिक्स वर्जन है अभी है वो लेकर अच्छा है अच्छा फीमेल वाला चलो पहले ये वाला गाना इसके बाद इस गाने के बाद प्ले करते हैं मैं साथ साथ इसको सर्च कर लेती हूँ और ये पता नहीं कौन कौन से गाने तुम लोग बताते हो चलो देखते हैं अगर कॉपीराइट नहीं हुआ तो फिर इसको हम प्ले कर देंगे राइट और लेट्स सी हाउ इट इज एंड ये वाला रियली क्या नाम है रोगी खान पहले चलो इसके बाद ये प्ले करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा ट्रैक है राइट जब तक कुछ कमेंट्स उसके बाद एक रिसर्च ओके अच्छा जी और साथ साथ उसमें तमाम बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच जुमा मुबारक मसूद साहब कहते हैं मैम आप वो वाला सॉन्ग सुनाए ना जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं ये मैंने कब कहा कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ओके अच्छा जी हमें कह रही है कि थैंक्स अभी जी ओके अंबर कहती नहीं नहीं यहाँ से प्ले नहीं करें प्लीज वहां से प्ले करें अंबर कहती है कि कोई मुश्किल नहीं गाहे बगाहे देख लेना अगर कोई चमकता है तुम्हारे देखने से अच्छा कौन है वो नाम बता ऐसे छुप छुप के कौन चमकता है और साथ साथ असमत आवान कहते हैं कुछ तो कह रहे थे और उसे कह रही है मुझे तो ये डायलॉग याद है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू फेवरेट तो नहीं है लेकिन सईदा आयशा कहती है अरे रफ्ता रफ्ता लगा दो पुराना कौन सा वाला पुराना वाला चले भैया आयशा ने कह दिया ये भी फरमाइश आ रही है आज फरमाइश प्रोग्राम बन गया मेरा सही है सही जा रहे हैं आप लोग मैं भी जो ना मैं भी मासूम बन गया ना प्ले कर देती हूँ देखे बस ऐसी मासूम हूँ मैं सो लड़कियों की बातें मैं मान लेती हूँ बिकॉज गर्ल्स पावर यू नो अम्मा कहती हैं जब आप किसी को सच्चे दिल से चाहो तो उसे सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है बैटल ग्राउंड रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ हाँ क्या वो ख्वाब सा ये मैंने तुझसे मिलने की सिफारिश की और क्या है यार अमर पूरा डायलॉग बताओ ना जन्नतों और उसके अलावा क्या है वो कि मुझे तुझसे मिलाने की हर जर्रे ने साजिश की है समथिंग लाइक दैट या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर ओके वो सब कहते हैं कि ये शेर आपकी दोस्त के लिए शायरी कर करके मेरा दिल ये क्या है क्या हो गया वाईफाई गुल हुआ अरमान बुरा हुआ समझ नहीं आया तू ही तू नजीर हुसैन वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया महबूस खान कहते हैं अभी आदिल हुसैन का कोई मुकाबला नहीं है इस रफ्तार रफ्तार में उसे रफ्तार में जमीन आसमान का फर्क है भाई मेहदी हसन साहब का क्या लेवल है क्या हो गया मेरे भाई महफूज और साथ साथ मुनव्वर हुसैन यानी कहती है कहती है अभी ये वाला सॉन्ग लगा दें मैं मेरा दिल और तुम हो यहाँ फिर क्यों हो बल्कि झुकाए वहाँ उस दिन तो लगाया था चलो मंडे को लगाएंगे इंशाल्लाह का याद दिलाना ठीक है और साथ साथ कहती हैं आमना अभी ये सच है कि जब आप किसी को सच्चे दिल से चाहे ना तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है सच में वाकई में ऐसा है क्या कहती हैं और सबसे प्यारा रिश्ता दुआ का होता है क्योंकि उसमें तासीर जो है तीसरा ना खुदा होता है तीसरा खुदा होता है तीसरा तो कोई होता ही नहीं है जब अल्लाह और आप हो तो तीसरा तो कोई होता ही नहीं है कहते हैं कि दुआ के कबूल करके ना उस रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करता है चलें जबरदस्त हो गया हम ना
कहती आप ये बंद करो, आधे बच्चों को सांग लगा दे, लगा दे लड़की लगा दे। और साथ साथ कहती है शर्मी ना भी, मैं तो ना ऐसे बोलती हूँ, ओके फिर मिलेंगे मुंह धो के। तो पहले ही मुंह धो के चले जाओ ना। अस्मत आवान कहते कि इश्क में धूल उड़ाओ तो कोई बात नहीं, खुद अपनी जात मिटाओ तो कोई बात बने। मुझे अब इन रेत के महलात से कुछ गर्ज नहीं, हम अपने दिल में, हमें अपने दिल में बसाओ तो बात बने। अच्छा इतना फ्री हो रहे हैं। सासन साहब कहते हैं ये वाला आप शायद कहना चाहती हैं कि धड़कन मूवी का अंजलि, अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये तो हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। नहीं नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। किरण खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, अभी आज फर्स्ट टाइम कमेंट कर रही हूं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है लड़की किरण, कैसी हो? ठीक हो, खैरियत से हो? शादी हो गई तुम्हारी? कहां से? खानपुर से, खानेवाल से, खानेवाल से मैसेज कर रही हो? खानपुर से लड़की ने माइग्रेट कर लिया कराची से। इधर कहते हैं मुल्क के बादशाह का शुक्रिया कहना चाहता हूँ स्पेशल वाला, इनकी इजाद की वजह से ना इतने मजे मजे के गाने खाने मिले हैं, कोफ्ता कड़ी, कोरमा, ढोकला, और क्या हो गया भाई, कोरमा हमारा है, कोफ्ते भी हमारे हैं, मिला वजह में ढोकला इनका होगा। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली, और इनके इनके थेपले हैं और फाफड़े हैं जिनको हम पापड़े कहते हैं, ये फाफड़े कहते हैं। और क्या है जहाँ फर्श, और पता नहीं क्या क्या है, खैर जी जन्नत खाकरे हैं, खाकरे समथिंग लाइक दैट, मुझे देखने के होते कैसे। खाने तो नहीं है बट देख रहे हैं, मस्ट हैव अ लॉट ऑफ कैलोरीज। अच्छा जी आशी इमरान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अभी कैसी हैं आप? अंकल को मेरे सलाम और बहुत सारी दुआएं, और अंकल अभी के शो में कॉल करें, नाराज नहीं हो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हाँ जी आज तो हम कॉल से शामिल ही नहीं कर रहे, इंशाल्लाह मंडे को। और साथ ही साथ कहती हैं कि जिसे राहिल बलोच यानी कि शर्मीन कहते हैं कि जिसे लोग जिंदगी कहते हैं वो तो हादसों का हुजूम है, ठीक है। साथ साथ कहती हैं दीका के सलाम टू ऑल स्वीट स्वीट लिसनर्स, अच्छा सिस्टर कह रही थी मैं, स्पेशली माय अंकल बशीर अंकल हमेशा खुश रहें, आमीन सुमामी। और साथ साथ मोहम्मद नजारत, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, मुझे कह रही है मेरा नए साल में ख्वाब है ये कॉलेज जाना शुरू करूंगी, और जो भी 2022 में जो भी हुआ सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए हमेशा आगे के लिए सब कुछ अच्छा करे और आप हमेशा खुश रहे, हम दुआ करते हैं आपके लिए। हमने कहती है कि आप ही बताएं तो मुझे बहुत आती है बातें, तो मुझे बहुत आती है मगर मेरी ना कोई सुनता नहीं है, इसलिए नहीं कोई सुनता क्योंकि बहुत आती है। हाँ अंबर अब लेकर आई ना अंबर। हाँ जी कहती है इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। वाह वाह अंबर, आई लाइक दैट, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ओके सासद किरण कहती हैं किरण अभी सबको ना थैंक्स बोल रही हैं, जिन लोगों ने ना दुआ की उनके लिए हैं, तो कौन है भाई साथ में, कौन है किरण की, किरण की आईडी से कौन निकल रही है, मैरी निकल रही है, कौन है किरण की आईडी पर। अब्दुल रशीद कहते हैं कि फैसल गालोनी चकवाल से सुनते हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए, जजाकल्लाह अमीन स्वामी। दाऊद बाजीर कहते हैं कि गुड थैंक यू, मुझे कह रही मेरा डायलॉग है कि मैं हर बात पे बोलती हूँ कि मैं तो डर गई। ओके अच्छा आपका ये डायलॉग है मैं तो डर गई। दुर्गेश नागरपुर बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। अमर कहती है अरे सैयद आयशा वही रफ्तार रफ्तार कह रही थी जो तुमने लगाया हुआ था वो हटा के ना ये लगा दिया, व्हाट इज द बिहेवियर फरहाना, दिस इज माय ओरिजिनल बिहेवियर अमर। चलो फिर हम वाला भी प्ले करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, अब पहले ये सुन लो फिलहाल, आज ना सब सबके गाने प्ले कर, आज ना आज मेरे अंदर कोई कोई नेक रूह आई नहीं। जो कोई कहेगा वो गाना प्ले करेंगे। ये कौन सा गाना था भाई, और की मंगड़ा, लड़की ने कहा कि नित खैर मंगदा मैं तेरी, खैर मंगा नॉट मंगदा, नित खैर मंगा, ये वाला है रिमिक्स, बाज सजन लज पाल तेरे वे मैं को जिया कीड़े को। किरण कहती हैं कि अंधेरों में भी एक दुनिया है आबाद, आंखों को अपने बंद करके तो देखो, इसलिए कहते हैं ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए,
बाल सफेद हो जाते जल्दी. हुसैन अमीर वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. और साथ साथ मुनव्वर हुसैन कहते हैं कि मेरा दिल और तुम हो यहाँ. मैं मेरा दिल, हाँ मैं कर, मंडे को लगाएंगे ना. साथ साथ कह रही है नहीं आज लगा दें, मंडे को लगाएंगे ना. हुसैन अमीर कहते हैं कि आप ही कैसी हैं आप. आई एम वेरी वेल. साथ साथ कहती हैं दौलतुल्ला कहते हैं कि नाइस सॉन्ग दौलतुल्ला. लोग सोचते दौलत हो ना हो, नाम तो हो. I'm really sorry. अच्छा ऐसा है. अच्छा महबूब खान कहते हैं अभी अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है ना कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं. नाम है शहनशाह. रिश्ते में तो हम आपकी आरजे लगते हैं. असमत नवान कहते हैं हरिपुर से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया. महबूब खान कहते हैं अभी इंशाल्लाह एक दिन में ना मैं ना कॉल करूंगा आपके शो में. चलो कॉल कर लेना. कॉल की स्पेलिंग पहले सही लिखो उसके बाद कॉल करना. आपने मेरे कहते वही संडे को देखा आपने खवातीन सियासी पार्टी का जलसा था, उसमें ना लड़के पकड़े गए अबाया पहनकर खवातीन को जमा कर रहे थे और जलसे में भी थे. दो नंबर ही हर जगह. हम मैं कहती हूँ आप भी आने वाला साल बहुत अच्छा होगा जी मेरे लिए इंशाल्लाह. और साथ साथ साहब कहते हैं कि मैम मेरी नजर में ना मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मेहदी हसन एंड मैडम नूर जहाँ एक जुमरे में आते हैं. क्यों? बिल्कुल ऐसे ही तो, उनका उनका तो कोई मैच ही नहीं है. आप उनको आजकल के सिंगर से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल. कामरान शाह कहते हैं अभी कॉल क्यों नहीं ले रही है आज शो में. भाई फोन चार्ज नहीं है ये बात है और क्या है. थक गए फोन चार्ज पे लगा लगा के लेकिन उसने मना कर दिया. The phone is not interested. Okay, और दीका कहती कल अंकल बशीर ने कॉल की थी ना. हाँ जी बिल्कुल की थी. और साथ साथ और वो कहती हैं कि मसूद साहब बता रहे हैं कि उपमा पानी पूरी और दाल वाली दुल्हन का तो नाम ही नहीं लिया दुआ के अब्बू ने. है ये कौन सा है. और साथ साथ हुसैन अमीर कहते हैं अभी आज का शो बहुत अच्छा है. सिर्फ आज का, सिर्फ आज का. सिर्फ आज का. वही वो नहीं 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 तो मैंने भी ऐसे किया. उस दिन भी कोई मुझे कह रहा था अभी आज का शो बहुत अच्छा. हर दिन आगे हर एक कोई नया बंदा कह रहा होता है. व्हाट इज दैट. कामरान शाह कहते हैं मेरा डायलॉग कि ऐसा करोगे तो कौन आएगा. ओके वो कह रही है अभी आज लाइव आए ना प्लीज. वाए क्यों भाई, बहुत मजा आ रहे हैं. क्यों आए हम लाइव. अमीन खरल कहते हैं नाइस, बहुत छोटे. जिस दिन मेरा मूड होता है ना लाइव आने का उस दिन तुम लोग बताते नहीं हो. आज मेरा मूड ही नहीं लाइव आने का, सीधी सी बात. अतिका कहती है योर वॉइस इज सो 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 स्वीट. बहुत शुक्रिया अतिका. हमने कह रही है अभी मेरा डायलॉग ये है मैं जी मैं बोलती हूँ मैं मारूंगी लेकिन ना मैं मारती नहीं हूँ. अच्छा सिर्फ डरावे देती हो. अंबर कह रही है आज आप जाते जाते ना स्टे अ लिटिल लॉन्गर विद मी लगा दीजिएगा. बड़े दिनों बाद फरमाइश कर रहे हैं. हाय मैं डर गई. चलो सही अंबर. मुझे ना जाते जाते याद भी दिलाना जब मैं जाने लगूं. जब मैं कहूँ ना कि मुझे इजाजत दीजिए, जब मैं माफी तलाफी करूँ ना अंबर तो लिख देना गाने का नाम. स्टे अ लिटिल लॉन्गर विद मी. सिंगर का नाम तो बताया नहीं, सुना हुआ तो है लग रहा है, सुना हुआ याद नहीं बट. अच्छा जी सलार यानी कि फराज कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ऑल टुडे आई एम बिजी. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. साथ साथ जाइए आप बिजी हो जाइए. किरण खान कहती है किरण आप की छोटी सिस्टर हूँ मैं. तो किरण ने शादी करके चली गई तो क्या अपनी आईडी भी तुम्हें देखे चली गई, ये क्या बात हुई. यार ऐसे कौन करता है. मैंने सोचा शायद लोग सिर्फ अपने फोन ही देखे जाते हैं, आज पता चला अपनी आईडी भी देखे चले जाते हैं. कह रही याद है ना आपको आज 23rd दिसंबर है एंड 30th ऑफ दिसंबर को मेरी बर्थडे है. चलें जी, हाँ जी आपका बर्थडे हमें याद है. आप जरूर याद दिला दीजिएगा दोबारा क्योंकि हम भूल जाते हैं. बरात कहते हैं ये क्या रिक्वेस्ट हुआ है आज, इतने मासूम कैसे बन गई आप, समझ नहीं आ रहा. नहीं मैं मासूम ही हूँ, रिक्वेस्ट हो नहीं है. किसने कहा कि रिक्वेस्ट हुआ है, आज मेरा मूड अच्छा है. गानों के हवाले से, प्ले करने के हवाले से, कि आप लोगों के पसंद के गाने प्ले करने के हवाले से मेरा मूड अच्छा है. वैसे तो मेरा मूड अच्छा है ही है. मसूद साहब कहते हैं कि तब तो वो अच्छा सॉन्ग है कि अलिफ से अच्छी गाव से गुड़िया जीन से जा पानी.
आवेदन में कहते हैं बाजी तमाम लिसनर्स के लिए बोलना चाहता हूँ कि इस सॉन्ग में अगर कुछ बुरा लगा हो तो अब बोल कफारा क्या होगा, प्लीज प्ले। साल जा रहा है, आने वाला साल फिर से खाता खोलना है ना। हाँ हम इसको मंडे को प्ले करेंगे। आप जमीर आप मुझे मंडे को याद दिला दीजिएगा। सहर गुल खान का गाना है ना, किसका गाना है राइट? चैलेंज गाना खत्म हो गया और दुआना कोई होर मंगा दोबारा शुरू भी हो गया और चैलेंज हम वापस आ जाते हैं इस गाने पर। एंड इट वाज हाँ जी कौन सा था वो गाना, और गाना हमने रोक दिया और हमने ये किया है कि इस वाले गाने पर हम वापस आ जाते हैं जो कि हमने प्ले किया था। और अरे आवाज आ जाओ भाई। अच्छा जी अब मुनव्वर हुसैन यानी क्या थी? अब मैं बार बार मुनव्वर हुसैन पढ़ती हूँ। अधिका कहती है आप ही जान आज करो अभी क्या है लड़की क्या हो गया क्या हो गया। चलें जी पहले हम शामिल करते हैं कॉफी के फवायद और नुकसान। कहते हैं कि ज्यादा कॉफी पीना हाइपर टेंशन में मुबतला अफराद के मौत के इम्कानात को बढ़ा देती है, यानी कि जो लोग हाइपर टेंशन का शिकार है कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। तो एक नई तहकीक में मालूम हुआ है कि बुलंद फशारे खून के आर्ज यानी कि हाइपर टेंशन जिसको ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, उसमें मुबतला अफराद जो है अगर कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कल्बी अमराज के सबब होने वाली मौत के इम्कानात में उनके लिए इजाफा हो जाता है। तो साथ साथ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट शाया की है, रिसर्च की रिपोर्ट है जिससे पता चला है कि 160 ऑन 100 या इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर रखने वाले अफराद जो दो या उससे ज्यादा कप कॉफी पीते हैं उनकी कॉफी ना पीने वालों की नस्बत कल्बी मर्ज से मौत वाकई होने के दुगने इम्कानात होते हैं। तो जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को से ताल्लुक रखने वाले जो रिसर्चर्स हैं जो डॉक्टर्स हैं उनको ये देखकर हैरानी हुई कि शदीद हाइपरटेंशन में मुबतला अफराद की जानिब से भारी मकदार में कॉफी की खपत का ताल्लुक कल्बी मर्ज से होने वाली मौत के खतरात में इजाफे से था। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन नहीं थी या दर्जा अव्वल की हाइपरटेंशन थी उनको ये खतरात लाहक नहीं थे, यानी कि अगर किसी को कोई ब्लड प्रेशर के कोई आर्जा लाहक नहीं है तो वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी हद से ज्यादा इस्तेमाल ना करें कॉफी, ठीक है ना। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा जो रेकमेंडेड है वो सिर्फ और सिर्फ 2 कप्स ऑफ कॉफी है, राइट? अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा जी साथ साथ कहते हैं उनका कहना था कि भाई उसके बरअक्स सब्स चाय के पिए जाने का ताल्लुक किसी भी दर्जे के ब्लड प्रेशर में मुबतला अफराद में कल्बी मर्ज से होने वाली मौत के खतरात के इजाफे से नहीं था, यानी कि ग्रीन टी जो है वो सेफ है। तो वो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या दिल को नुकसान पहुंचाती है नहीं पहुंचाती है ये नहीं बताया। इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं और पॉलीफ्यूनल्स मौजूद होते हैं जो फवाइद दे सकते हैं, राइट? So, सब चाय के मुफीद असरात मुमकिन तौर पर जुज़वी तौर पर इस बात को वाज़े कर सकते हैं कि सिर्फ कॉफी की खपत का ताल्लुक ही क्योंकि शदीद हाइपरटेंशन में मुबतला अफराद के लिए हो सकता है मौत का बाइस बन सकता है, लेकिन जबकि कॉफी और सब चाय दोनों में ही कैफीन मौजूद होती है तो आप सब चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मतलब ऐसा भी नहीं कि आप हद से ज्यादा इस्तेमाल करें, मैंने वही कहा ना कि हर चीज जो है वो जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो चाय हो कॉफी हो ग्रीन टी हो या यू नो कैमोमाइल टी हो या डिफरेंट, आजकल तो इतनी सारी वैरायटीज है ना। ओके चलें जी रिसर्च हमने आपके साथ कर दी शेयर। साथ महबूब खान कहते हैं अभी आपकी ये बात तो ठीक है कि आप रिश्ते में तो हमारी आबी लगती हैं, नाम है बढ़ाना। फराज कहते हैं मैं आपका ना न्यू लिसन, आपका नाम क्या है? जाओ दवाई भी क्या हो अम्मी ने दवाई नहीं पिलाई आज। हमारा जा कहते हैं अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपका मूड है, मूड नहीं होता मूड, मूड है लाइव आने का। नहीं मेरा मूड जब होगा लाइव आने का तो मैं आ जाऊंगी, 1 साल हो गया मुझे लाइव आए हुए। चलो अपनी बर्थडे वाले दिन लाइव आएंगे। यस
साथ साथ मौज कहती है हाय अभी मैं तो ना डर गई, आप लाइव नहीं आ रही ओके आने जो डर गया नहीं वो तो ठीक है, डर के आगे जीत है। हाँ मैं कह रही हूँ बादल गया दिल बदलती रातों के साथ, लोग जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे जी, लोगों का तो काम है बदलना, बस आपने अपने आप को नहीं बदलना। अगर आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहें, नेगेटिव नहीं होना, राइट। अंबर कह रही है हाफ गर्लफ्रेंड मूवी का ना सॉन्ग है, तुम देख लेना आखिर में कमेंट में लिख तो दूंगी। अंबर ना करो खराब नहीं है सिर्फ गानों के मामले में, सो तुम अखरोट बन जाते हो फराज। जिबा गोल कहती है कि गुड मॉर्निंग आवेदन कहते हैं कि आज का शो उतने मजे का नहीं है, हाँ कॉलर आपके शो को ना शो का गुर्दा है हाँ, तो मेरी तरफ से ना कॉलर जुबान दिखा दें बच्चों वाले स्टाइल में। क्यों भाई आज भी मजा आ रहा है, हमें तो आ रहा है मजा, बहुत सारे लोगों को आ रहा है, आपको नहीं आ रहा अभी तो, आपने कौन से पैसे दिए थे। सीधी सी बात है। महफूज खान कहते हैं अभी आपकी हाँ जी मैंने पढ़ लिया साथ साथ। आजमपुर खान बहुत शुक्र, थैंक यू सो मच, हमें सुनते हैं मुल्तान से बस्ती मलोक सुखंदी कहते हैं सुपर शो साथ साथ। महफूज खान बहुत शुक्र कहते हैं लगता है कि फेसबुक में ना भूत घुस गया है, मेरे ना कमेंट्स गायब हो रहे हैं, लड़के कमेंट स्क्रॉल हो जाते हैं, इतने सारे कमेंट्स तुम्हारे पढ़ लिए और क्या जाते तुम। महसूस आप कहते हैं कि वो वाले लिसनर को आप जाती हैं जिसे पिंकी मैम बता रही थी कि उनका नाम ना एच से है, जिनके पास ना स्टोर में कुछ कमेंट्स हैं आपके एफएम पे और सेंड करके दूसरे एफएम पे चलाता है। हमदुल्ला की बात कर रहे हैं बताइए, कह रहे हैं कि ना हमदुल्ला जो है ना आपके पहले कमेंट्स करते हैं सारे, पहले स्टोर कर लेते हैं सारे कमेंट्स फिर यहाँ पर पेस्ट करते हैं, हाँ ये गूगल से लेकर आते हैं ना इसलिए कॉपी पेस्ट। कह रहे हैं हर जगह ना हर चैनल के हर स्टेशन के पेज पर ना वही कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, हद हो गई। अब्दुल रशीद कहते हैं माशाल्लाह शो हमेशा की तरह बहुत प्यारा है, बराए मेहरबानी आप जी मैसेज पूरा पढ़ करें। अरे पढ़ तो लिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आवेदन कहते हैं वाओ कॉफी कितने फायदे, बट मैंने कॉफी से इसलिए हाथ हटा दिया और बिना शुगर के कॉफी होती ही नहीं है पीने हमें, हाँ नहीं तो हैं हर चीज में शुगर चाहिए। हाँ मैं कह रही हूँ खो ना जाना कहीं जमाने में, अपने हाथों को मेरे हाथों में रहने दो, ओ माय गॉड। कह रही ये वाला सॉन्ग लगा दे टूटा जो कभी तारा, अरे लड़की टाइम नहीं है ना हमें इजाजत चाहेंगे अभी, इसलिए कह रही हूँ अभी दो गाने और आवेदन ने भी गाना बताया तो हम मंडे को चलाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग नए नए गाने लाएंगे ना तो मैं जरूर प्ले करूंगी, पुराने गाने आप लोग बताते रहेंगे तो फिर फायदा क्या है, जो मैं 100 बार चला चुकी हूँ अगर फिर आप कहेंगे वही वाला गाना चला दें तो ठीक है, कभी कभी मूड होता है हमारा। आजम आजम वालेकुम अस्सलाम, मेरा हाल बहुत अच्छे, कहते हैं कि कहती हैं आजम की आईडी से फायदा, कहती हैं फायदा आजम फ्रॉम क्लिफ्टन कराची। अभी एक अफसोसनाक खबर है कि एक आजम के अबू का इंतकाल हुआ है कि जैसा मंडे को उनका 40वां है। चैलेंज ही हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आजम के अबू की मगफिरत फरमाए और उनका अपने जवार रहमत में अपना कुर्ब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे और माँ बाप का साया जो है ना वो यू नो ऐसा घनी छांव जैसा होता है। आवेदन कहते हैं फरी संडे को देखा आपने, हाँ जी हमने बढ़ तो लिया था, कितनी बार बताएंगे। महबूस खान कहते हैं अल्लाह ताला आपको अपने जमान में रखे, अल्लाह आपको ढेरों खुशियों से नवाजे, आप जान अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आमीन सुमीन। शायान अली वालेकुम अस्सलाम। नंबर कहते हैं सैटरडे को आओगी, मैं सैटरडे अवेलेबल नहीं होती, हाँ तो मेरी बर्थडे है ना सैटरडे को, मैंने प्रॉमिस कर लिया था ना तो मैं आऊंगी फिर, अभी नेक्स्ट ईयर है अभी गए नंबर। शायान अली कह रहे वाओ क्या बोलती हैं आप मैडम। महफूज खान बहुत शुक्र, थैंक यू सो मच। और साथ साथ आमना कह रही है कि अभी मैं जिस दिन भुला दूं आपका प्यार ना दिल से, मैं वो दिन आखिरी हूँ मेरी जिंदगी का, मैं तो ना कभी नहीं बदलूंगी, जैसे जिसे बदलना है ना वो बदल जाए, हाँ और नहीं तो क्या। हमें क्या मुझ कह रही है दोस्त एक वाहिद मखलूक है कि जो इज्जत नहीं करती। कौन दोस्त हैं आपके। मसूद साहब कहते हैं मैम आपने एक बार पहले भी बताया था कि कॉफ़ी कम पीना चाहिए और आपकी दोस्त इनकी मैम कहती हैं कि कॉफ़ी ज़्यादा पीना चाहिए एनर्जी के लिए, बस
आपकी आपके बाय कॉफी की है, आपकी चाय सबकी पसंद है. ओके. नहीं नहीं कॉफी देखें जरूर पिए. मैंने वही कहा ना, ज्यादा ना पिए, एनर्जी के लिए कॉफी कौन पीते. अमर कहते जो मजा चाय में ना वो कॉफी में कहां. चंदा आज मजा नहीं आया सुबह की चाय में, ठंडी ठंडी हो गई थी. क्यों अमर गैस नहीं आ रही क्या? हम ना कह रही अभी ना जाओ ना जी. नहीं जाना तो पड़ेगा, आज जाएंगे तो फिर मंडे को वापस आएंगे इंशाल्लाह. साथ साथ मुझ कह रही है कि कौन सी आंख में लगाऊं सुरमा, दोनों आंखों में आप बसती हैं, कहीं काली ना हो जाओ. ओके. नहीं तो सुरमा ना लगाओ. साथ साथ आदमी कहते हैं भरी आयशा ने ना मुझे रिसर्च भेजी काम देखे इनके, लिखा था कि फेस पर डिम्पल पड़ना ना मुंह के मसल्स की कमजोरी की. मुंह के मसल्स की कमजोरी की वजह से गालों में ना खट्टा पड़ता है. कि जिसको हम प्यार से ना डिम्पल कहते हैं. ओह माय गॉड. आयशा यू आर डन, यू आर गुड टू गो. क्या बात है आयशा, प्लीज कीप गोइंग ऑन. हम कह रही आपके बगैर ना दो दिन जैसे दो साल है. ना करो लड़की, इतना बड़ा डायलॉग. मसूद साहब कहते हैं मैम बिरयानी टाउन वाले क्या लिखा है खापा साहब को, मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ना कल सफाई डे है, आयशा ने ना उनके कह रहे हैं आयशा ने उनके छक्के छुड़वाएंगी. सही से जाले साफ करवाइएगा हर कमरे के. पंखे भी साफ करवाइएगा इनसे. साथ महफूज खान कहते हैं अभी जो सॉन्ग मैंने कहा था ना आपको संडे जरूर प्ले करना. हाँ संडे को जरूर प्ले कर देंगे, आप लोग जितने गाने बोलेंगे मैं संडे को प्ले कर लूंगा. सही है ना, संडे को प्ले कर देंगे. ठीक हो गया, डन हो गया महफूज मेरे भाई. सत्रह कहते हैं आपका प्रोग्राम रोज देखता हूँ और आपका प्रोग्राम बहुत, मैं ना आपको बहुत बड़ा फैन हूँ. चले बहुत शुक्रिया, जजाकला. अमर कहते हैं कि लेट्स सी अभी तो पूरा साल पड़ा है. हाँ ना और क्या. और मुनावर हुसैन कहते हैं कि कल अंकल बशीर ने कॉल की थी. अरे हाँ अतीका की थी, क्या हो गया लड़की. और कहती है आप भी जाने आज का टॉपिक क्या. ये लड़की ने इतनी बार कोई 100 बार कमेंट कर दिया, पूरा शो निकल गया. हाँ मैं कह रही मुश्क की, अच्छा चले आपस में बातें कर रही हैं, आपस में ना एक दूसरे को सुना रही है. कह रही मुझे ब्लॉक कर देती मुश्क. अमर कह रही आ रही हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, पर ये जो हर सेकंड और मुझे उठाया जाता है कि अरे ये देना, अरे वो देना, अरे वो, अरे वो, और दिल ही नहीं करता. फिर तो चाय भी ठंडी कर दी मेरी और बॉयल्ड लेग भी ना सारा सड़ा हुआ लग रहा था मुझे. तो अब अंबर अब ओखली में सड़ दिया तो मौसलों से क्या डरना. वो एक और मसाले नंबर ओले वाली. ओले सर में पड़े तो कौन से मसाले, वो अंबर जल्दी बताओ. मुझे कहते हैं ठीक हाँ अभिजान, ठीक है अभिजान आप जाएं, आपको बहुत मिस करूंगी. और अब हंसता हुआ रखे आपको किसी की नजर ना लगे और काला टीका लगा देना. नहीं मुझे काला टीका लगाने की क्या जरूरत है भाई. मैं हर वक्त काली हुडी पहन के घूमती हूँ. मुझे क्या जरूरत है काला टीका लगाने की. सासद मसूद कहते हैं कि अगर हो जाए कुछ गलती तो फिर माफी तलाफी है. कह रहे हैं असीरा ने मोहब्बत को तुम्हारी कॉफी काफी है. कह नहीं तुम्हारी चाय कॉफी है. कामरान शाह कहते हैं आज का टॉपिक है शो खत्म होने वाला है. ओके सासद मसूद कहते हैं कि हाँ तो संडे वाला शो आप अपने घर से कीजिएगा. हाँ बिल्कुल. आजम कहते हैं क्या अभी मसूद भाई और आबिद भाई को सलाम चले. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. आबिद भाई कहते हैं पता नहीं मोहतरमा मसूद सर के मुल्क में गाड़ियाँ बिजली से चल रही हैं, 3 रुपए यूनिट और मैं चार्ज में चल जाती है. हाँ ना तो फिर क्या हो गया, पता है हमें ये पुरानी हो गई खबर, नहीं बताएं कोई. हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक कार जाना नहीं देंगे. पेट्रोल कैसे महंगा करेंगे. मेरे ख्याल से कहीं कहीं तो है ऐसा, वो चार्जिंग के स्टेशन जो हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह. डोंट लूज योर होप, ठीक है ना, ऑलवेज यू नो.
अच्छा जी, और साथ साथ क्या कह रही हैं अधिका, किसी की मजार में अच्छे थे हैं, किसी की मजार में नजर में अच्छे थे, किसी की नजर में बुरे थे, इकबाल हकीकत में जो जैसा था हम उसकी नजर में वैसे थे। वाह वाह क्या बात है, चलो जबरदस्त हो गया। अमर कहती हैं कि जान के करते हैं ना तपाते हैं मुझे, शक्ल बना लो फिर ना ठंड पड़ जाती है। मैं कह रही हूँ अधिका अब तो शो भी खत्म होने वाला है, अब टॉपिक का पूछ रही हो। ओके ठीक हो गया, मैं वो कह रहे हैं सॉरी अभी मंडे को। नहीं नहीं संडे को, मंडे को नहीं महबूस मेरे भाई, सिर्फ संडे को। हम कहती हैं लाहौर अभी ओके, कहते हैं आवेदन में मैं ना जल नहीं रहा हूँ, बट ना यहाँ बंदरगाह में ना जहाँ खड़े हैं सामान लेकर, हमारे पास ना डॉलर नहीं सामान उतारे वो। लालच बुरी बला है। ओके चलें जी, इजाजत दीजिए मुझे इंशाल्लाह, अब हम मिलेंगे कल सुबह नहीं बल्कि मंडे को 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना अपने ख्याल रखिएगा, बहुत 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 ज्यादा ख्याल, अपने चाहने वालों का भी रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफिरत जरूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में याद। और अगर मेरी पूरे हफ्ते में कोई भी बात आपको बुरी लगी हो, दिल आजारी हुई, तो मैं दिल से माजरत चाहती हूँ, क्योंकि शो का मकसद कभी ऐसा नहीं होता कि किसी को दुख पहुंचाया जाए, किसी की आजारी की जाए। जो भी बात होती है वो किसी को टारगेट करके नहीं की जाती। हाँ कुछ बातें ऐसी जरूर होती है जिनका मैं नाम लेके भी कह देती हूँ, वो भी डंके की चोट पर, क्योंकि हम नहीं डरते, डरे वो जो गलत काम करे, हम गलत काम ही नहीं करते। तो कोशिश हमारी यही होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराएं, खुश रहें, क्योंकि वैसे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी परेशानियां हैं, महंगाई और पता नहीं क्या कुछ, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और टेंशन्स हैं, यू नो। तो कोशिश हमारी ये होती है कि पूरे हफ्ते में हम आपको सुबह सुबह जो है वो थोड़ा सा हंसाएं, कुछ ऐसी बातें करें कि आपका दिन अच्छा गुजर जाए, आप खुश रहें, आपका मिजाज थोड़ा अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, खुशगवार हो जाए। तो बस इतनी सी बात, बाकी बातें आपने दिल पे नहीं लेनी, ठीक है? अच्छी अच्छी बातें समझ लें, जान लें, पल्लू से बांध लें, बाकी खैर है। सो दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे, टाइम पर आइएगा, आएंगे ना टाइम पर, इंतजार करेंगे हम भी, आ जाएंगे टाइम पर, जाते जाते पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए रफ्ता रफ्ता। हाँ फिर वाले ला